जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उनको क्या उपाय करने चाहिए, और साथ ही जो बच्चे मेहनत तो करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनको अपनी पढ़ाई का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, ऐसा क्यों होता है और उसके क्या उपाय है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे भी अभी थोड़े समय में बच्चों के एग्ज़ाम भी आने लगे हैं, तो एग्ज़ाम के समय में बच्चे कौन सा उपाय करके जाए ताजो उनके द्वारा की गई मेहनत का उनको पूरा फल मिल पाए। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जब भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात आती है, हमने इस पर पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं तो हमने सोचा इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाई जाए ताजो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। जब भी पढ़ाई की बात आती है तो जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा, इनको देखना बेहद ज़रूरी है। चंद्रमा की सबसे पहले बात करते हैं। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमें कुछ भी सीखने में जो एक कंसंट्रेशन पावर होती है किसी भी इंसान की, वो बहुत अच्छी देता है। जिनका भी चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, ऐसे इंसान, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई में तो पूरा मन लगा करके पढ़ते हैं, या कोई भी काम अगर किसी को सीखना है उसको पूरा मन से सीखना और मन लगा करके सीखना, उनका चंद्रमा अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो जाए या इसका संबंध खास करके पापी ग्रहों के साथ बन जाए, या चंद्रमा नीच राशि में, वृश्चिक राशि में आ जाए खराब ग्रहों के अंदर, तब बच्चे पढ़ाई के अंदर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर चंद्रमा का संबंध शनि के साथ, राहु या केतु के साथ हो जाए तो घर वाले उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं या बिठाते हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान कहीं और होता है, पूरी तरह से उनका मन पढ़ाई में लग नहीं पाता, बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की भी हमेशा कमी रहती है, और एग्ज़ाम के टाइम पे भी अगर उनको कुछ आता भी हो तो पूरी तरह से उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि क्या पता जो मैं लिखने जा रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है भी या नहीं। वो ठीक होने के बावजूद भी जो मन में एक अपने ऊपर ही डाउट रहता है, उन लोगों का भी चंद्रमा खराब होता है। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, वो पढ़ने के लिए बैठते ही नहीं है, या घर वाले ज़बरदस्ती बिठाते भी हैं लेकिन तब भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को क्या उपाय करने चाहिए। जिनका भी इस तरह के सिम्टम जिन बच्चों को देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले ऐसे बच्चों को नीले और काले रंग से परहेज रखना चाहिए। अपने तन पे चांदी ज़्यादा से ज़्यादा धारण करनी चाहिए और हो सके तो एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी शर्ट की जेब में ज़रूर रखना चाहिए, और साथ ही अपने कमरे में या घर के मंदिर में उत्तर पूर्व डायरेक्शन के अंदर, दिशा के अंदर, एक चांदी के बड़े से बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के चांदी का ढक्कन लगा के उसको ज़रूर स्थापित करना चाहिए, और जब जब गंगा जल उसमें सूखता रहे उसमें दोबारा गंगा जल डालते रहे। आगे हम बात करते हैं उन बच्चों की जो पढ़ाई तो पूरी मेहनत से करते हैं लेकिन उसके बावजूद उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिलता, ऐसे में क्या कारण होते हैं। जब भी राहु का संबंध बृहस्पति के साथ हो जाए या किसी भी तरह से पांचवें घर के साथ हो जाए या बृहस्पति के घरों के साथ राहु का संबंध हो जाए और चंद्रमा कुंडली में ठीक ठाक अवस्था में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में बच्चे मन लगा करके पढ़ तो लेंगे या पूरी मेहनत से पढ़ते तो है, लेकिन जो भी वो पढ़ाई करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, उसका उनको लाभ नहीं मिल पाता, उसके पीछे कोई भी कारण होते हैं। ऐसे में चाहे बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पर बीमार पड़ जाए, ऐसे में अगर कहीं सूर्य भी खराब अवस्था में हो तो एग्ज़ाम के, और सूर्य का संबंध राहु के साथ हो तो ऐसे में एग्ज़ाम वगैरह के समय के अंदर बच्चों को बुखार हो जाना, इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। जिन बच्चों को एग्ज़ाम के समय में बहुत ज़्यादा बुखार होता है या इस तरह की दिक्कतें रहती है, ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। 1 किलो जौन 4 किलो दूध के साथ धोकर के बुधवार के दिन सर से 7 बार उतार के जलप्रवाह जरूर करने चाहिए, एग्ज़ाम में समय में होने वाला बुखार, इस तरह की दिक्कतें दूर होंगी। आगे जिनको बच्चों को पढ़ाई का लाभ नहीं मिल पाता,
या एग्ज़ाम के समय में जिन बच्चों को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है, इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती है, उन बच्चों को क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे लोगों को नीले और काले रंग से हमेशा परहेज रखना चाहिए। एक सुलेमानी हकीक चांदी में लगवा के अपने गले में धारण कर सकते हो, या अपने हाथ की सीधे हाथ की सबसे बड़ी उंगली में धारण कीजिए। ऐसे बच्चों को सुबह उठ करके सैर जरूर करनी चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी। अगर ऐसे बच्चे योगा वगैरह करते हैं या रनिंग करते हैं तो उनमें एक तरह से राहु की खराब एनर्जी खत्म होगी और सुबह के समय जब वो फ्रेश एयर लेंगे तो बृहस्पति, सूर्य और मंगल की एनर्जी उनके अंदर एक्सरसाइज करने से जरूर बढ़ेगी। और साथ ही ऐसे में अगर मेहनत का लाभ नहीं मिल पा रहा या किसी भी तरह से किसी न किसी चीज़ को लेकर के पढ़ाई में रुकावटें आ रही है, तो ऐसे लोगों को 27 दिन लगातार आधा किलो कच्चा कोयला जरूर जल प्रवाह करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं उन बच्चों की जो पढ़ाई भी पूरी तरह से कर लेते हैं या पूरे मन लगाकर उनके एग्ज़ाम भी ठीक ठाक हो जाते हैं, या पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जिन बच्चों को कह लो के पढ़ाई का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, ऐसे लोग भी, ये जो अभी मैंने 27 दिन आधा किलो कच्चा कोयला जलप्रवाह करने का उपाय बताया है, वो उपाय कर सकते हैं, सुलेमानी हकीक धारण कर सकते हैं, या सुबह उठ करके एक्सरसाइज वगैरह करना, योगा करना, लेकिन फ्रेश एयर में सुबह उठ करके किसी पार्क वगैरह में करने से ज़रूर लाभ होंगे। अब हम उन बच्चों की बात करेंगे कि अभी जो एग्ज़ाम बच्चों के आने वाले हैं, एग्ज़ाम में जाते समय ऐसे बच्चे कौन सा उपाय करें ताजो उनको एग्ज़ाम में जो भी उन्होंने मेहनत करी है उसका अच्छा रिजल्ट मिले। ऐसे बच्चों को एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी शर्ट की जेब में ज़रूर रख करके जाना चाहिए। लाल रंग का रुमाल अगर वो अपनी पॉकेट में रखते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। ऐसे बच्चों को केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए और घर से एग्ज़ाम के लिए जाते समय थोड़ा सा गुड़ खा करके और पानी पी करके ज़रूर जाइए। ये वो बच्चे ज़रूर करें जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है या सेहत की बार बार परेशानियां एग्ज़ाम के समय में भी देखने को मिलती है, वो लोग गुड़ खा करके पानी पी करके जाने वाला उपाय ज़रूर कीजिए। और साथ ही ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे के साथ साथ अगर ऐसे बच्चे कान के पीछे भी केसर का तिलक लगा के जाएंगे फ़ायदा होगा। अगर कान में सोना पहन सकते हो बहुत अच्छा है। सोना कई स्कूल्स के अंदर अलाउड नहीं होता या बच्चे छोटे होते हैं वो सोना नहीं पहन सकते, तो उनके पेरेंट्स उनके कान के पीछे केसर का तिलक लगा सकते हैं। और साथ ही एक काला सफ़ेद कंबल, अगर काला सफ़ेद कंबल ना मिले तो एक कलरफुल कंबल ले लीजिए, एक ही कंबल में जिसमें बहुत ज़्यादा रंग हो, तकरीबन 5-6-7 रंग जिसमें एक ही ब्लैंकेट में हो, वो लेकर के मंदिर में ज़रूर रखिए। मात्र आप ये उपाय कीजिए, आपको जो भी आपने तैयारी करी है एग्ज़ाम्स के लिए उसका पूरा फ़ायदा भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और अच्छे आपके मार्क्स भी आएंगे। इसी तरह से हम और भी विषयों के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।